और ये पासवर्ड डाली जा रही है इतने पासवर्ड अटेम्प्ट कर दिए ना, लॉक हो जाएगी मेरी स्क्रीन। प्रिया की चल रही है जॉब, तो उसने पास वो अपना लैपटॉप लगाया चार्जिंग पे और ये पासवर्ड डाल डाल के उसका सिस्टम ही वो कर दिया लॉक। मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज अपनी नई वीडियो की शुरुआत हो चुकी है, मैं हो चुका हूँ रेडी। तो बाकी मेरे को किसी काम से जाना है, मेरा एक दोस्त आ रहा है उसके साथ जाना है कहीं पे, वो आपके लिए सरप्राइज है कि क्या काम। सरप्राइज क्या मतलब, पता तो चल ही जाएगा कि क्या काम है। तो जब वो आता है तो मैं मिलवाता हूँ और फिर हम लोग निकल जाएंगे घर से। तो भाई अपना आ चुका है, तो कैसा है भाई? बड़े टाइम बाद आ रहा है। और कैसा है भाई, मिल तो ले। तो इस भाई की कहानी बताऊंगा मैं आप लोगों को, कहानी बहुत लंबी है। बेचारा बिहारी बाबू है अपना, लेकिन है एक अपना जिगर का टुकड़ा, बहुत टाइम बाद आया। अब तो ये बिहार गया हुआ था स्पेशल मिलने के लिए आया, कह रहा है 2 दिन के लिए आया हूँ, मिलके फिर दोबारा वापस चला जाऊंगा। वाइफ इसकी अक्षरधाम है, उसको लेकर नहीं आया, इसलिए मैं नाराज हूँ भाई देखते तो पहली बार। अच्छा ठीक है, और कॉन्ग्रेचुलेशन भी कर देता हूँ भाई, 3 दिन बच्चे हो गए। ये बेइज्जती कर रहे हो तारीफ ये तीसरा बेटा है पिछले महीने हुआ। तीन तीन बच्चे हुए और तीनों बेटे हुए हैं। वो बेचारी बेटी की वेट कर रहे हैं, पिछली बार जब बेटा हुआ। अब इसको आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ, सीरियस को भी पता है कि लैपटॉप क्या होता है। और वो देखो लैपटॉप पे कर रही है काम, करके दिखाइए एक बार बुग्गी। ये माउस चल रहा है और ये पासवर्ड डाली जा रही है। इतने पासवर्ड अटेम्प्ट कर दिए ना। प्रिया की चल रही है जॉब, तो उसने पास वो अपना लैपटॉप लगाया चार्जिंग पे और ये पासवर्ड डाल डाल के उसका सिस्टम ही वो कर दिया लॉक। तीरथ हाई फाई, हाई फाई, हाई फाई कर दो बुगी। मम्मा को बढ़ते से हाई फाई, से हाई फाई मम्मा, हाई फाई फिरो मम्मा को, हाई फाई, हाई फाई। ए तेरेगी मेरा बच्चा। तो प्रिया मैं जा रहा हूँ, तो अपने लगी रहा है मजदूरी के अंदर। किसको? इसको ले जाऊं, इसको मैं लेके जाऊंगा तो फिर मैं, फिर क्या मैं कुछ कर पाऊंगा लगता है तेरे को? चल बाय बुगी, बाय कर दे, पेप्सी बाद में पी लियो, बाय तो कर दे यार। अब बाय बाय बाय, चल मैं आता हूँ थोड़ी देर में, बाय। भाई मैं जा रहा हूँ मैं किसी काम से, तो मैं आपको दिखाऊंगा। प्रणव आ गया था, मैंने आप लोगों को बता ही दिया था। तो काम से जा रहे हैं और जा रहे हैं बाइक पे नहीं, गाड़ी पे। तो भाई ने लेना है फार्म हाउस, फार्म हाउस लेने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। तो भाई ने लेना है फार्म हाउस अरावली हिल्स, तो इसलिए कह रहा है कि भाई तू भी चल। तो मैंने कहा मेरा भी काम हो जाएगा, मेरे को भी एक काम था उस साइड पे। तो बहुत टाइम बाद मिले हैं, कुछ गप्पे वगैरह मारेंगे, बैठेंगे, एंजॉय करेंगे और भाई का फार्म हाउस भी देख कर आएंगे जो ये लेने वाला है। जहाँ पे हम लोग घर से निकले थे फार्म हाउस के लिए, वो तो भाई ने दिखा दी है। अभी जगह इतनी डेवलप हुई नहीं है, लेकिन हो जाएगी, इस बात की गारंटी मेरे को ही पता है। मतलब इतना तो मुझे भी पता ही है, नोएडा में वैसा कर रखा है, नोएडा में भाई ने करा हुआ है, सब कुछ करा हुआ है। और तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि क्या ऐसे लोकेशन रहेगी, लेकिन है बड़ी मज़ेदार जगह, मुझे तो लग रहा है भाई खुला मज़ेदार। मैं कह रहा हूँ मुझे भी दिलवा दे फार्म हाउस यहाँ पे। बिल्कुल, कितने का मिल जाएगा? 50 लाख रुपये का बास्केटबॉल। तो भाई जगह तो बहुत बड़ी है, पता नहीं मतलब कितना, 700 एकड़, ये 20 एकड़ का एक पैच, ये 20 एकड़ का एक पैच है जिसके ऊपर घूम रहा हूँ। सब कुछ तो दिखाना अभी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मैं घर से बड़ा लेट निकला था, तो अंधेरा भी होता जा रहा है। अभी यहाँ पे इतनी लाइटिंग वगैरह भी नहीं है, तो आपको मैं छोटी छोटी चीज़ें, मेन चीज़ दिखा देता हूँ कि क्या क्या होने वाला है यहाँ पे। ये बैडमिंटन, ये 20 तरह के इसमें इंडोर गेम्स आएंगे। ये भाई 20 तरीके की इसके अंदर इंडोर गेम्स है। ये कितनी बड़ी जगह होगी भाई? ये है लगभग 4 एकड़ के आसपास। 4 एकड़ के अंदर मतलब इंडोर 20 तरीके की गेम्स आएंगी, जो इंडोर हम इंडोर गेम्स कर सकते हैं, खेल सकते हैं, बाहर बारिश वगैरह आ जाए अंदर खेल लें। तो भाई ये 7.25 एकड़ जगह है जो बनेगी क्रिकेट स्टेडियम, मतलब क्रिकेट खेलने के लिए, और फुटबॉल वगैरह खेला जाएगा यहाँ पे। तो भाई मज़ेदार लग रहा है सुनने में, जब बन जाएगा तो क्या होगा पता नहीं भाई। लोग आ गए हैं प्रणव भाई के ऑफिस फार्म, और मैं दिखाता हूँ, बड़ा गजब का बना हुआ है, अभी आपको नज़र मरवा देता हूँ। तो गजब की चीज़ है, मज़ा आ गया।
तो भाई वो हो रहा है वॉलीबॉल का मैच, बंदे लगे हैं मैच खेलने में, हम लोग बैठे हैं यहाँ पे क्योंकि गपशप मार रहे हैं, बहुत टाइम बाद भाई मिला है। तो सेटअप आपको दिखा देता हूँ, क्या जबरदस्त हुआ पड़ा है पीछे ये एक, नहीं नहीं कोई नहीं बना लेंगे फिर कभी आएंगे फुर्सत में फिर बनाएंगे। तो ये पीछे एक इन्होंने वो बनाया हुआ गेस्ट हाउस टाइप, तो ये भी बढ़िया लग रहा है। सेटअप आपको मैं एक बार नज़र मरवा देता हूँ। तो भाई यहाँ पर हम लोग बैठे हैं बात वगैरह करने के लिए, गपशप मारने के लिए। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए 30 सेक्टर की मार्केट जो है हमारी फैमिली मार्केट, और सब कुछ हो चुका है बंद। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ बाहर निकल के, गाड़ी के अंदर मैं बैठा हूँ इस समय, लेकिन हमारे पास खाना तब भी आया है क्योंकि दीपक चाइनीज फूड जिंदाबाद, और साथ में ये नोएडा जाने का नाम नहीं ले रहा, कह रहा है मैंने दीपक चाइनीज फूड से मोमोस खा के जाने और पैक। भाई ने बहुत बोले थे दीपक 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 को छोड़, मजा आया नहीं आया? मोमोस खाए तूने? स्पाइसी सारे तीनों चटनी आया मजा? तो बस यही तो चाहिए हम लोगों को, और क्या चाहिए। और पीछे कोई और भी आया है सरप्राइज, प्रिया और सीरत। मैंने तो लाइटिंग वाले मोमोस खाए हैं। प्रिया और छोटी सीरत खाए, मतलब छोटी प्रिया खाए। ये रही छोटी प्रिया भूगी, वीडियो में आ रही है। तो हम लोग खा रहे हैं अपने मोमोज, एंजॉय कर रहे हैं। रात के टाइम हो रहा है 11:30, 11:30 बजे हम लोग मोमोज खा रहे हैं। घर जाके रोटी भी खानी है क्योंकि मम्मी है घर पे, और भाई घर जाते ही बड़ी डांट पड़ने वाली है, कसम से कह रहा हूँ भाई। अब लग रहा है मेरे को कि घर जाऊंगा तो रोटी भी मिलेगी नहीं मिलेगी, या बाहर से मैं पैक करवा के घर ले जाऊं। फार्म हाउस पे हमने ज्यादा टाइम दे दिया, फार्म हाउस पे हमने ज्यादा टाइम दे दिया। और मैं पता है प्रणव ये सोच रहा हूँ कि घर पे मम्मी के ना अपना यहाँ से चाप पैक करवा लूं, चाप बढ़िया है, ताकि घर जाते वो बोले हाँ कि मेरे लिए भी कुछ आया और वो ठंडे हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है, चाप हाउस चाप यहाँ का बढ़िया है। ओके तूने खाया? तो ये रही मार्केट जो बंद हो चुकी है इस समय 11:30 बजे, और हम लोग यहाँ पे गाड़ी लगा के अपना खा रहे हैं मोमोज। तो भाई घर जाने के लिए हो रही है हालत ख़राब। तो ये रहे अपने मोमोज, ये है पनीर जो मैं खाता नहीं प्रिया के लिए, और ये रहे चिकन जो हम दोनों के लिए। भाई क्या कहता है? बढ़िया बढ़िया, हम ऐसे मिलाते हैं, अब ये हमारा हो गया। नहीं नहीं ऐसे तो होता है, ऐसे भी होता है। ठीक है भाई फोन कर दियो, भाई ने बहुत दूर जाना है, नोएडा जाना है, तो बस 62 किलोमीटर। कल मिलते हैं दोबारा नोएडा में।